वेलकम टू माय चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में सो गाइस देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताना चाहूंगी अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका कह सकते हो कि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अगर नहीं है तो जल्दी ही करिए क्योंकि इन आने वाले तीन चार सालों में आपको ये आई टी कंपनीज ही हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है और आपको मल्टी बैगर बना सकती है तो इस तरीके बहुत से स्टॉक्स होते हैं आई टी कंपनीज ऐसा नहीं है कि आई टी कंपनी में हमेशा लार्ज कंपनीज ही हो सकती हैं आई टी कंपनी में आपको माइक्रो कैप भी मिल जाएगा स्मॉल कैप भी मिल जाएगा और तो और पैनी स्टॉक भी मिल जाएगा तो भाई जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज होती है वैसे कहने को तो बहुत बड़े बड़े नाम दिग्गज नाम आपको देखने को मिलेंगे आईटी के अंदर ठीक है लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो पैनी तो होते हैं लेकिन आपको कुछ महीने में एक दो साल में अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकता है मतलब आपका एक लाख का बारह गुना दो गुना दस गुना मतलब कुछ भी आप लगा लो आपको अच्छा खासा एक लाख का तीन चार लाख आने वाले एक डेढ़ साल में बन सकता है लेकिन उसके लिए आपको क्या सबसे पहले तो सिलेक्ट तो करना चाहिए कि कौन से स्टॉक आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी अगर आप चार्ट सिलेक्ट कर चार्ट देखते हो तो चार्ट हमेशा गैस आप लोगों को पता होगा कि यू मूव करता है अगर कोई चार्ट आपको ऐसा मूव करता हुआ नजर आए तो गैस इसका मतलब यह है कि ये कि लोअर लो पे लोअर लो बनाया जा रहा है तो ऐसे में आपको एंट्री नहीं करनी है मतलब ऐसे स्टॉक्स आपको सेलेक्ट ही नहीं करने हैं उनको इग्नोर कर देना है आपको सेलेक्ट करने हैं वो स्टॉक जिनका चार्ट यू मूव होता है देन फिर आपको ऐसे वाला मूविंग मतलब आप देख रहे हो ऊपर की साइड चार्ट जा रहा है मतलब ऐसे चार्ट में आपको एंट्री करके चलना है कैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे मानो आप खुद से स्टडी कर लो आप खुद से चेक कर लो अगर आपको मेरी वीडियो से नहीं पता लगा आपको किसी और की वीडियोस भी देख सकते हो वॉच आउट कर सकते हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि हमें एक ही की वीडियो देख ही मानना होता है और आप लोगों को ये भी पता है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आ रहे हैं तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट सबके ही आ रहे हैं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पैनी स्टॉक्स होते हैं कुछ का क्वार्टर में ही मिल जाता है कुछ का आ, साल भर का या हाफ ईयर एल, हाफ ईयरली का आप कह लो होता है क्वार्टर का रिजल्ट्स होते हैं तो देखिए मैं आपको नामी नामी जानी गामी आप कह लो मैं आपको वो कंपनीज के बारे में बताऊंगी लेकिन मैं आपको इतना कहूंगी कि आपको आईटी कंपनीज जो होती है ना जो छोटी पैनीज स्टॉक्स वाले होते हैं कंपनीज जिनका माइक जो कैपिटल मार्केट कैपिटल है कम होता है तो आपको उन कंपनियों को सिलेक्ट करना है क्योंकि वही कंपनियां हैं जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमा कर दे सकती हैं सो गाइज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगी जिस स्टॉक पर मैं अभी हूँ ठीक है चौदह सौ चौरानवे का इसका प्रीवियस क्लोज देखने को पहले लेकिन गाइज स्टॉक का नाम है इन्फोसिस एंड आप लोगों को सबको पता हो क्वार्टर थ्री के इसके रिजल्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं आए हैं एंड अब तब भी देखिए आठ प्रतिशत है आठ प्रतिशत बढ़ा है इन्फोसिस का स्टॉक आप देख रहे हैं गाइस मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आप कह लो कि आ, जो हमें लगता है कि आ, कि अरे स्टॉक तो अगर इसमें गिरावट आई है ये तो बढ़ेगा नहीं ये क्यों बढ़ेगा बहुत से ऐसे होते हैं बट ऐसा नहीं होता कि वो स्टॉक्स ना बढ़े कई बार होता है कि कहते हैं ना कि कंपनी में गिरावट रिजल्ट्स में सॉरी गिरावट है तो बट जनता को क्या पसंद है पब्लिक क्या पसंद कर रही है मेन तो यही होता है ना कि पब्लिक को कैसा लग रहा है एंड देखिए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जैसे भी थे एंड आपको पता है बहुत सी चीज़ें आजकल चल रही हैं हमारे जो मोदी जी हैं बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये आई टी कंपनीज है ना तो आने वाले फ्यूचरों का मतलब फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बोला जा सकता है आप उनको फ्यूचरिस्टिक स्टॉक में लेकर चल सकते हो देख इन्फोसिस तो हो गया अब आपको पता है टी सी एस

डिविडेंड की वजह से ठीक है जैसे सेम ऐसा ही रूल आपको इन्फोसिस में भी देखने को मिला होगा कहीं मैं ये नहीं कह रही कि डिविडेंड है दे रही है कंपनी तो खरीदो दो हाँ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पता लग जाता ना कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उससे पहले अगर अनाउंसमेंट जब होती है ना तब उस कंपनी के अंदर चले जाओ ठीक है स्टॉक भागेगा ऊपर भागेगा देन जैसे ही आपको लगे एक्सडेड और रिकॉर्डेड पास आ रही है तुरंत मूव हो जाओ से एग्जिट हो जाओ शॉर्ट ऑफ कर लो क्यों क्योंकि ऐसे में क्या आपने इतने टाइम में तो अच्छा पैसा कमा लिया ना देन ये सब एक स्ट्रैटेजी होती है सो so, स्ट्रैटेजी को आपको यूज करके चलना है क्योंकि अगर आप आई सेक्टर में या कोई सी सेक्टर में बोल लूँ कि अगर आप इनमें अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो ही आप अच्छा अर्न कर पाओगे ठीक है लाइक आप अब, अब हो गया गाइस अब आप देखिए नेक्स्ट कंपनी हमारी विप्रो विप्रो के भी रिजल्ट आपको पता है कल आउट हुए इसके भी रिजल्ट कुछ ज्यादा खास नहीं आया ठीक है इसके भी ठीक ठीक ही रिजल्ट एंड डिविडेंड की जो सेम है अनाउंसमेंट किए इसने एक रुपए की गाइस बट इसमें भी तेज़ी देखने को मिली नियर अबाउट फोर प्रतिशत की तेज़ी आप कह सकते हो उस स्टॉक कहते हैं कैसे आपको बताया टी सी एस इन्फोसिस बहुत पुरानी कंपनी है बहुत लार्ज कैप आप कह लो कि आप देखो लाखों करोड़ों में इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिलता है लेकिन ये स्प्लिट करते रहते हैं बोनस देते रहते हैं जिसका इनका प्राइस इतना तक एक ऐसे ऐसे रीजनेबल पर रहता है कि लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं लेकिन ऐसा क्या होता है कैसे ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं ठीक है इनमें क्या लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करके चल सकते लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सकते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट स्लो हो जाता है और जब पाइनी स्टॉक हो जाते हैं कुछ स्टॉक छोटे स्मॉल कंपनी के स्टॉक होते हैं न, तो वो आपको जल्द ही जल्द ही बम्पर रिटर्न दे देते हैं मतलब छह महीने में दे, दे देते हैं ढाई सौ परसेंट का साल भर में चार सौ परसेंट का दे, दे देते हैं मतलब ऐसा उनका खेल रहता है तो आपको ऐसी आईटी कंपनीज ढूंढनी है जो आपको अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है ना तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी यार नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वाले हो कि नहीं कोई फालतू का टेंशन नहीं लेना है हमें तो बस अपना पैसा लगा देना और कैपिटल हमें आगे बढ़कर मिले तो कैसे ये जो मैं आपको वीडियोज में स्टॉक दिखा रही हूँ ना तो आप इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो अब आप आई ले लीजिए चार सौ सटसठ रुपये में चल रहा है है ना इसमें भी तेज़ी देखने को मिली है इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं गाइज जो अनाउंसमेंट मतलब आप कह सकते हो तो कि देखने को हमें मिलती है हाँ अब अब बात आती है गाइज नेक्स्ट स्टॉक की जो कि एस टेक्नोलॉजी का जिसका कल के दिन रिजल्ट आया था और देखिए इसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है गाइज मैं आपको वही तो समझा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी आई टी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो क्योंकि इन इन, इन आईटी कंपनीज का एआई से रिलेटेड अब आप, आप देखो जेनरेटिव एआई एआई पे मैं वीडियो डालती रहती हूँ कि एआई जिस जिस कंपनीज में यूज हो रहे हैं ना तो वो कहने को हाँ एक तरीके त्री नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ की नौकरी खा लेगा ठीक है जो वहाँ वर्कर है ना काम कर रहे हैं उनकी नौकरी खा लेगा लेकिन जो स्टॉक बाय कर रहे हैं उनका क्या उनको तो प्रॉफिट कमा कर देगा ना वो कंपनी पैसा कमा कर देगी आपको देखिए मैं आपको इतना ही कहूँगी कि हाँ मैंने आपको एक नॉलेजेबल पॉइंट्स बता दिया कि क्यों लेना चाहिए डिपेंड आप लोगों पे करता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लो जो उसको भी आप जानते हो उनसे न खुद को आपको बहुत नॉलेज है तो आप स्टडी करो फंडामेंटल सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इन कंपनीज के फंडामेंटल चेक कर लो देखिए ये के आप तो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं इनके फंडामेंटल मतलब कहीं ना कहीं मज़बूत नजर आएंगे लेकिन जो पहले स्टॉक माइक्रो का भी स्मॉल स्टॉक चेक करोगे तो उनके फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर आपको ये देखना है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है ठीक है आपको क्या नोट करना है कि कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है इसका आर ओ सी ई और आर ओ ई पॉजिटिव में है कंपनी पे कर्जा कितना है कंपनी पे कर्जा कम होना चाहिएगा जीरो पॉइंट फाइव के रेशों के अंदर कम कर्जा इसका होना चाहिए ठीक है अब आ जाता है ईपीएस ईपीएस पॉजिटिव है ऑपरेटिंग मार्जिन पॉजिटिव है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है कंपनी की इट मीन्स हाँ अच्छा इंप्रूवमेंट करें देखिए एक दो साल में अगर गिरावट है एक दो साल में लॉस है कंपनी का बाकी टाइम में उसने अच्छा इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट अर्न करा हुआ है तो वो एक नेगोशियेबल हो जाता है मतलब तो आप कह लो इग्नोर इग्नोर वाला हो जाता है सॉरी नेगोशियबल नहीं इग्नोर करने वाला हो जाता है उसको बांट दो तो सॉरी इग्नोर कर दो लेकिन कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे अगर प्रोमोटर की होल्डिंग सेम बनी हुई है या इंक्रीज हो रही है और आपकी एफ की होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है डी की इंक्रीज हो रही है पब्लिक अगर गिर भी रहे ना कोई बात नहीं लेकिन एफ आई आई तो आ रहे हैं ना मतलब उस कंपनी में कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है मतलब आप उसमें ऑपरेटर गेम खेलने वाले हैं यही सब चीज़ें काइज होती हैं छोटे छोटे क्यूज़ मैंने आपको दे दी हैं मैं भी खुद के लिए अगर कंपनी सिलेक्ट करती हूँ तो मैं ये सब फंडामेंटल को ध्यान में रखती हूँ कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन देखती हूँ और कुछ देखती हूँ कोई फ्रॉड तो नहीं है कंपनी में कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब आपको यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे सो गाइज़ आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टूड हुई होंगी समझ में आई हुई होंगी अगर कुछ भी आपको डाउट लगे ना आप प्लीज़ बेचीजा कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी आप लोगों को बताए मेरे दो चैनल हैं स्टॉक मार्केट बाय आर एन और स्टॉक लर्न एवरीथिंग बाय आर एन तो जिस दोनों पर ही मैं अलग अलग वीडियो डालती हूँ तो गाइज दोनों ही चैनल को प्लीज़ वॉच आउट करके चले एंड बाकी का चैनल को अगर आप जितना अच्छा प्यार करेंगे जितना अच्छा सहारेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी सो गाइज मेरे नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय गाइज थैंक यू